साबिक वजीर आला पंजाब मंजूर वट्टू कहते हैं पीपल्स पार्टी में जाने के इम्कान हैं, अभी हतमी फैसला करना है। अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, विफाक और पंजाब में इतिहादी हुकूमत बनेगी। ARY न्यूज़ के हेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव सेल नईम अशरफ भट्ट से खसूसी गुफ्तगू में मंजूर वट्टू ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी के अगला वजीर आजम बनने के बहुत इम्कान हैं। नून लीग के वजीर आजम को पीपल्स पार्टी मान सकती है तो पीपल्स पार्टी के वजीर आजम को भी नून लीग सपोर्ट करेगी। जहांगीर तरीन ने कहा कि जिसको वजीर आजम बनाया उसने मेरी बेटी के खिलाफ मुकदमात बनाए। क्या है कि मुलाकातें भी आपकी कुछ हुई हैं? मेरे बच्चे जो हैं ये वापस आ गए हैं, PTI से वापस आ गए हैं, उनके साथ उनके तल्लुकात बने ही नहीं हैं। हमारी मुलाकातें जहांगीर खान तरीन से भी हुई हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्तों से भी हुई हैं। बिलावल भुट्टो साहब यहाँ मेरे गरीबखाने पर तशरीफ लाए थे ताज़ियत के लिए, तो जाते हुए मुझे अलग करके कहने लगे कि वट्टू साहब फिर हमें किसी वक्त आपसे बात करनी पड़ेगी आपको साथ मिलाने के लिए। तो ये बात भी मेरे जहन में आई कि बिलावल साहब ने बड़ी ख़ास का इजहार किया, मेरे घर पे आए और इसकी बड़ी अहमियत है। तो इम्कानात तो हैं, साहब नई पार्टी बनाना चाहते हैं, मेरे ख्याल में इस हफ्ते में वो पार्टी अनाउंस कर देंगे। उनका ख्याल ये है कि नुमाइंदा हैसियत के लोग, कद्दावर लोग, सियासी पोजीशन रखने वाले लोग जो हैं ये मेरे साथ आएँ तो मेरी पार्टी को अहमियत मिलेगी। तो वक्ती तौर पे पार्टियां बनती हैं फिर फिजल आउट हो जाती हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि जहांगीर तरीन की पार्टी फिजल आउट हो जाएगी, ये डिपेंड करता है उनके चलाने पर। मुझे जहांगीर खान ने बताया क्या ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मैंने वोट किया उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए, जितने अखराजात किए और जितनी मेहनत की, उसके बाद जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए तो मेरी बेटी के खिलाफ उन्होंने कैसे रजिस्टर कर दिया? मेरा अपना ख्याल ये है कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। और आप किसको देख रहे हैं इस दफ़ा ऊपर आते हुए? मरकज में भी कोलिशन बनेगी, पंजाब में भी कोलिशन बनेगी, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बना लेगी हुकूमत, बलोचिस्तान में भी उसके चांसेस हैं कि पीपल्स पार्टी हुकूमत बना ले बाकी लोगों को साथ शामिल करके। फ्रंटियर में चांसेस हैं कि PTI की गवर्नमेंट बन जाए, और पंजाब में चांसेस हैं कि कोलिशन गवर्नमेंट बने हेडेड बाई नवाज लीग। और मरकज में सभी कह रहे हैं कि बिलावल आ जाएगा प्राइम मिनिस्टर, चांसेस हैं बिलावल साहब के कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए। फिर मुस्लिम लीग नून का प्राइम मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए काबिल कबूल है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर भी मुस्लिम लीग नून के लिए काबिल कबूल होगा। अब PTI के लोग जो टूट रहे हैं इतने ज़्यादा, तो वो किस तरफ रुख करेंगे? इंडिपेंडेंस की तरफ जाएंगे या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ जाएंगे?